एक मूवी थी जिसमें राखी जो है वो काफी, राखी गुलजार जो एक एक्ट्रेस है वो कहा करती थी कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। तो आज की वीडियो जो है वो इसी बात पे यहाँ पर शुरू करते हैं कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा है लखन। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पोको ने जो है वो इंडिया में अपने कदम रख दिए हैं, और पोको जो है वो जब आया था तो बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड यहाँ पर हुआ था। धीरे 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 उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होने लगी, तो लगा कि यार पोको जो है वो बंद हो रहा है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हमको भी लगता था कि यार पोको का F2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो जो है इनकी पेरेंट कंपनी शाओमी ने यार दिमाग लगाया कि यार देखो, जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है ना उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, उसको चलाते रहना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो पोको X2 नाम का एक फ़ोन क्या किया, उन्होंने जो है वो एक फ़ोन उठाया जिसकी हमने आपको चाइनीज़ वर्जन की जो अनबॉक्सिंग भी करके दी थी। कौन सा वाला फ़ोन था वो ज़रा बताना, मैं ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। हमने जो है उसको वहाँ से मंगाया था दुबई से, सेम टू सेम जो है वो उसको यहाँ पर इंडिया में उन्होंने जो है वो पोको X2 बनाकर जो है वो दे दिया। और वो हो गई वही वाली बात हो गई कि मेड इन इंडिया बाय 100% बॉर्न इन चाइना आकर के। फिर शाओमी को लगा कि यार चलो बढ़िया, पोको जो है और बढ़िया कर रहा है, तो अब जो है वो फिर से डिमांड आए कि भैया पोको का अगला फोन कब आएगा, अगला फोन आएगा। तो उन्होंने जो है वो लॉन्च कर दिया यहाँ पर पोको का M2 Pro। M1 कहाँ गया पता नहीं, M2 कहाँ गया पता नहीं, सीधे ही M2 Pro जो है वो लॉन्च कर दिया। कैसे? अब यार उन्होंने सोचा कि यार कौन दिमाग लगाए, नया नया कौन क्या बनाए, अपना पहले वाला फोन पड़ा ना कौन, Redmi Note 9 सीरीज वाला, उठाओ रंग वंग चेंज करो, कपड़े वपड़े दूसरे पहनाओ, जूते वूते बदलो और उसको जो है वो लॉन्च कर दो। तो क्या करा उन्होंने, Redmi Note 9 Pro या मैक्स आप जो भी बोले सीरीज को उठाया, चेंज करके पीछे का डिजाइन चेंज किया, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा लगाई, कुछ निकाला और इसको जो है वो लॉन्च कर दिया सेम प्राइस के अंदर, ताकि कंपटीशन में कोई ये ना बोल सके कि ये जो है वो महंगा आया है, ये जो है वो सस्ता आया है। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी पोको के M2 Pro के बारे में और Redmi के Note 9 Pro के बारे में। साथ ही साथ इसका एक कंपेरिजन करेंगे हम यहाँ पर Realme के 6 के साथ में, और देखेंगे कि इन तीनों ही फोन्स में से अगर आप लेने की सोच रहे हैं, पहली बात तो आपको लेना चाहिए ही नहीं अगर आप शुद्ध 100% इंडियन हैं, देशभक्त हैं, और अगर आपको लगता है कि भाई को चाइना है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। लेकिन फिर अगर आप जो है वो थोड़ा सा मन में लगते हो हमारी देशभक्ति सिर्फ दिखाने की होती है, करने की नहीं होती है, तो अगर आप सोचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखेंगे और हमारे सारे जहाँ से अच्छा की ट्यून को रिस्पेक्ट भी करेंगे, शर्मा जी की वीडियो को लाइक भी करेंगे और बिल्कुल भी डिसलाइक जो है वो नहीं करेंगे, है ना। तो दिखाओ अपनी देशभक्ति और देखो ये वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर जो है वो तीनों ही फोन्स हैं। लेफ्ट राइट आपको बता देते हैं कि पोको M2 Pro है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, रेडमी का Note 9 है जो इसका सेम टू सेम सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें डिफरेंस आपको मिलेंगी, और ये इनका जो कॉम्पिटिशन है Realme 6 का जो है वो फ़ोन है। कीमत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पोको M2 Pro जो है वो 4GB 64GB में आपको 13999 का मिलता है, 6GB 64GB आपको 14999 का मिलता है, हमारे पास में जो है वो 6 64GB वाला है। इसमें एक और ऑप्शन आता है 6128 का, तो वो आपको 16999 का मिलता है। Redmi Note 9 Pro की अगर बात करते हैं तो ये 6GB और 64GB आपको 13999 का मिलता है, जबकि यहाँ पर 4GB और 64GB मिलता है। तो 1000 रुपये का दोनों में यहाँ पर जो है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो है वो रैम का डिफरेंस है, 4GB आपको 14000 में मिलता है जबकि 6GB यहाँ पर आपको 14000 में मिल रहा है। Realme की अगर बात करते हैं तो Realme 6 यहाँ पर जो है वो 4GB 64GB आपको 15000 का मिलता है। जी हाँ, 4GB 64GB यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन 1000 रुपये इसमें ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है वो आपको बाद में पता लगेगा। 6128 यहाँ पर जो है वो 17000 का मिलता है, इसमें जो 6128 है वो आपको 17000 का मिलता है, 8128 भी इसमें आपको मिलता है जो कि आपको 18000 का मिलता है। तो पता नहीं कौन ही होगा जो जो है वो इस तरह से यहाँ पर लेता है। डिज़ाइन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पोको की, तो पोको में आपको जो है वो कोर्निंग का Gorilla Glass 5 दिया गया है बैक साइड के अंदर और फ्रंट के अंदर, सेम इसके अंदर भी है। तो इन दोनों में जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो सेम से ही आपको देखने को मिलेगी, कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। Realme 6 में आपको जो है वो Gorilla Glass 3 दिया गया है फ्रंट के अंदर, और जो ब्लैक है वो सारा ये जो है वो प्लास्टिक है। देखो आवाज़ सुनोगे आपको पता लगेगा, और अगर हम यहाँ पर इस पर टैप करते हैं तो पता लगेगा। ये देखो ऐसे दिखाता हूँ, शायद आपको आवाज़ से भी ना पता लगे लेकिन हाथ से पता लगता है। ग्लास बैक है और कुछ लोगों के टूट भी गया है तो वो भी आपने जो है वो देख ही लिया होगा। बात करते हैं अगर स्क्रीन साइज़ की, तो 6.6 इंच की स्क्रीन यहाँ पर है क्योंकि दोनों ही सेम Full HD+ में है, और ये वाला जो भाई है इनका कॉम्पिटिशन इसमें 6.5 इंच की है, मतलब 0.1 इंच कम है। और इन स्क्रीन कैमरा इसमें आपको जो है दिया गया है, यहाँ पर भी इन स्क्रीन कैमरा है, मतलब कि इसके अंदर पंच होल टाइप दिया गया दोनों के अंदर, तो वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हो इसके अंदर भी, तो उसमें भी कोई खास यहाँ पर जो है वो अंतर नहीं है।
डिजाइन जो है वो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा नया दिया गया है। ये सेम टू सेम जो डिजाइन आपको देखने को मिलता है वो Redmi Note 9 Pro ग्लोबल वर्जन जो है उसमें आपको देखने को मिलता था डुअल टोन में, तो अब इंडिया में जो उसको पोको M2 Pro जो है वो बना के डाल दिया गया है। तो मतलब पोको के लिए बहुत ही आसान था एक मेड इन इंडिया फोन बनाना, कि एक फोन जो है वो लॉन्च है इंडिया के अंदर रेडमी की तरफ से, तो चलो फोन को उठाओ, कलर चेंज करो, डिजाइन बदलो और जो है आपको परोस दो। प्राइसिंग भी यहाँ पर जो है वो सेम से ही रखी गई है। नोटिफिकेशन एलईडी लाइट जो है वो इसमें मुझे यहाँ पर नहीं दिखी है, तो वो यहाँ पर नदारद है। आईआर ब्लास्टर इन दोनों भाइयों के मिलता है, क्योंकि ये जो है वो एक ही जनरेशन से आते हैं, यहाँ पर ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है। बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर यहाँ पर आपको जो है वो स्नैपड्रैगन का 720G मिल जाता है, जी हाँ इनके अंदर। और अगर बात करते हैं एंटूटू स्कोरिंग की, तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं रियलमी 6 की, तो इसमें आपको जो है वो मीडियाटेक का G90T वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया देता है। तो अगर एंटूटू स्कोरिंग की अगर आप बात करें या देखें आप, तो देख सकते हैं कि पोको का जो M2 है वहाँ पर आपको 273,451 मिलता है, रेडमी में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है 276,832 मिलता है, और मीडिया टेक में जो है सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पर 289,886। तो अगर आप एक मीडिया टेक का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं G90T वाला, जो आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी जो है क्या कहते हैं परफॉर्मेंस जो है वो दे सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी ऑप्शंस की, यानी कि आप सिम कार्ड और मेमोरी का क्या कर सकते हैं। तो तीनों ही फोन्स में आप जो है वो ट्रिपल कार्ड स्लॉट यूज़ कर सकते हैं, दो नैनो सिम और एक डेडिकेटेड एसडी कार्ड को। कैमरा की अगर बात करते हैं, तो तीनों ही फोन्स में आपको जो है वो चार कैमरा मिलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हालांकि यहाँ पर जो है वो स्क्वायर शेप में दिए गए हैं, इसमें भी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वो एक वर्टिकल लाइन की तरह जो है वो दे दिए गए हैं। दोनों ही फोन्स में आपको जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, कोई भी अंतर नहीं है। सेल्फी कैमरा भी दोनों में सेम मिलता है 16 मेगापिक्सल का, यहाँ पर जो है एक नाइट सेल्फी एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलता है बस। यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो अगर आप 1,000 रुपये यहाँ ज़्यादा दे रहे हैं इस फोन से, तो आपको जो है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। मीडियाटेक का G90T आपको दिया गया, स्कोर आपने देखा, और बाकी सब सेम है। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, और सेल्फी कैमरा भी जो है वो 16 मेगापिक्सल का सेम ही आपको दिया गया है। अब जो स्टेबलाइजेशन चेक कर लेते हैं, तो पोको में मुझे स्टेबलाइजेशन लग रहा है, जबकि रेडमी नोट 9 में स्टेबलाइजेशन जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है काफ़ी मतलब बेटर है, मतलब रियलमी से तो कम से कम यहाँ पर जो है बेटर है पोको के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर भी कोई यहाँ पर अपडेट नहीं, मतलब कि चेंज नहीं है, तीनों में ही आपको जो एंड्रॉयड 10 मिलता है। हालांकि अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है, जबकि यहाँ पर कोई ऐप ड्रॉअर नहीं। आप यहाँ से करोगे तो आपका जो है वो गूगल असिस्टेंट या इस तरह से गूगल की सर्विस है वो खुल जाती है, जबकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ही देखने को मिलती हैं। बाकी कुछ खास यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, गूगल की एप्लीकेशन चलेंगी, और चाइनीज एप्लीकेशन यहाँ पर जो बैन हो गई हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो उनको आप हटा देंगे तो आपका जो है वो बढ़िया हो जाएगा। एंटूटू जो है वो गूगल प्ले से हट गई है यहाँ पर, तो मुझे जो है वो पहले से थी गेट ऐप करके इसमें यहाँ पर, तो वहाँ से जो है मैंने डाउनलोड कर ली है। और अगर बात करते हैं रियलमी 6 की, तो मुझे इनका जो OS है वो रेडमी OS या कलर OS जो भी आप बोलें पसंद नहीं आता। हालांकि इसमें भी जो ऐप ड्रॉअर है वो पोको की तरह ही आपको देखने को मिलता है, तो वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर इसमें अबाउट के उसकी क्या कहते हैं OS की, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रियलमी 6 में रियलमी UI है वर्जन 1.0, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पास से दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है वो रियलमी 6 में आपको रियलमी UI दिया गया है, और मुझे जो है वो कुछ खास यहाँ पर इतना जो है खास पसंद नहीं आता है यहाँ पर, बाकी अपनी अपनी जो है वो चॉइस है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर हाउस की, यानी कि बैटरी की। तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको जो है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि पोको के अंदर एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज यहाँ पर ये मिल जाता है कि इसमें आपको जो है वो 33 W का चार्जर मिलता है। तो मैंने यहाँ पर जो है उसको डेड से चार्ज किया था, और मैं जो रिकॉर्ड कर पाया वो यहाँ पर 10% के बाद में रिकॉर्ड कर पाया। तो अगर आप यहाँ पर काउंट लें कि 1249 को मैंने जो है 10% यहाँ पर बैटरी थी, आप देखते हैं 1249 में मैंने स्टार्ट किया था, तो 120 पे आप देखते हैं 50% हो गया था, तो 10 से 50 होने में कि 40% चार्जिंग में इसको जो है वो लगभग 31 मिनट का टाइम जो है वो लगा है। और उसके बाद में जो 40% यहाँ पर 80% तक ही आया है, तो उसको चार्ज होने में यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि 153, यानी कि और जो है वो
33 मिनट जो है वो लग गए और 100% चार्ज होने में इसको जो है वो यहाँ पर 244 तक ये जो है वो चार्ज हो गया। तो ऑलमोस्ट एक घंटा और 55 मिनट के लगभग आप मान सकते हैं 90% चार्जिंग में, जो कि यहाँ पर इसकी 33 वॉट से हुई है, 5000 एमएएच की बैटरी है। रेडमी की अगर इसकी बात करते हैं नोट 9 प्रो की, तो यहाँ पर आपको जो है 500 एमएएच की बैटरी लगी, जो चार्जिंग है वो 18 वॉट पे ही दी गई है। तो इसकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर है, आप देखेंगे 95% जो बैटरी है वो 3 बजे हुई थी और मैंने इसको जो चार्ज पे लगाया था वो आपको दिखा देता हूँ मैं, 1248 पे जो चार्ज पे लगाया था, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 बजे से लेकर 3 बजे, तो सिंपल 2 घंटे और यहाँ पर 10, तो 2 घंटे लगभग 12 मिनट लगे हैं 90% चार्ज होने में। और यहाँ पर जो बैटरी है Realme 6 में वो 4300 mAh की है, तो बैटरी कम है लेकिन यहाँ पर चार्जिंग में 30 वॉट की है। तो अगर आप उससे हिसाब यहाँ पर लगाएं कि कितना ज़्यादा टाइम लगा चार्ज में, तो ये जो है वो जल्दी चार्ज हुई है, कैसे वो अभी आपको जो है समझाता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने जो है वो 10% पे चार्ज पे लगाया था, तो 141 पे ये जो है चार्जिंग स्टार्ट हुई थी और इसकी जो चार्जिंग है वो काफ़ी फास्ट है, यानी कि जो हर परसेंट का चार्ज है वो 40 सेकंड 30 सेकंड है, जबकि अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो चार्जिंग है वो ये लोग जानबूझ के स्लो करते हैं 80% के बाद में, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो स्लो नहीं किया है। 93% तो चार्जिंग है वो लेस देन 1 मिनट में हुई है, उसके बाद में यहाँ पर जो फास्ट हुई है। तो आप देखें 1248 पे लगाया था तो 1 घंटे के अंदर जो है वो लगभग ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया है, 144 यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो चार्जिंग लगाई थी मैंने 10% से देख सकते हैं 1241 कि लगभग 70 मिनट्स के अंदर ये जो है पूरा चार्ज यहाँ पर जो है वो कर देता है। तो ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर 50% के बाद चार्जिंग है वो देख सकते हैं 47 सेकंड 37 सेकंड हो रही है, जबकि यहाँ पर देखेंगे 18 वॉट की चार्जिंग है इसकी रेडमी वाली, उसमें जो है वो स्लो हो गई, यहाँ पर 50% के बाद चार्जिंग है ये लोग स्लो कर देते हैं, लगभग 1-1.5 मिनट्स के बाद जो है वो चार्ज हो रहा है। और अगर यहाँ बात करें 33 वॉट के अंदर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, चार्जिंग जो है वो यहाँ पर स्लो हो गई है 50% के बाद में, 50% जो चार्जिंग है वो लेस देन 1 मिनट है, उसके बाद में इन्होंने बढ़ा दी है और 80% के बाद जो और बढ़ गई है, और यहाँ पर आप देखेंगे 90% के बाद तो बहुत स्लो चार्ज जो है वो हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है कुछ कुछ ध्यान रखनी पड़ती हैं, स्लो चार्जिंग कुछ लोग बोलते हैं बेस्ट होती है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छी होती है, सबका अपना अपना यहाँ पर जो है वो ओवरव्यू है। हाँ जी, देख ली वीडियो, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर बाइक और चाइना का मन करे ना तो जो कंपनी है ना वहाँ पे जाना, उनके वहाँ पे चैनल पे जाके डिसलाइक करना, वो जो मन में है करना, लेकिन हमारे को ना काम है, क्या है हमारा काम है कि आपको बताना कि कौन मेड इन इंडिया है, कौन मेक इन इंडिया है और कौन जो है वो मेड इन चाइना है। अब बात करते हैं तीनों ही ब्रांड्स की, तो भैया दोनों ब्रांड तो एक ही कंपनी के हैं। रियलमी जो ब्रांड है वो एक चाइनीज ब्रांड के अंडर, मतलब चाइनीज ब्रांड के अंडर में ही आता है, लेकिन काफ़ी लोग इंडिया के अंदर उसमें काम करते हैं, बहुत लोगों को काम मिलता है। सेम चीज़ शाओमी के साथ में भी है, शाओमी ने जो है वो यहाँ पर असेंबल करता है, तो इंडिया के लोगों को बहुत यहाँ पर काम मिलता है। तो अगर आपकी देशभक्ति ये कहती है कि उन लोगों से काम छीन लिया जाए तो बिल्कुल आप छीन लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि जब तक हम मुकाबला, यानी कि हम बोले तो इंडियंस, खुद का स्मार्टफोन मुकाबला करने के इनके लायक नहीं है, तब तक हमें अपने पैसों को सही जगह लगाना चाहिए। तो तीनों ही फ़ोन आपने देख लिए, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसे कहाँ पर लगाने हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ आपको जाने से पहले, कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आप 100% ये कह ही नहीं सकते हो कि आपने जो है वो पैसे सही जगह पे लगाए हैं। आई बात समझ में? नहीं आएगी। माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी है, 90% उसका सामान चाइना से ही आता है। टाटा, बड़े गर्व के साथ हम बोलते हैं कि टाटा ऐसा टाटा ऐसा, अगर कल को चाइना से सामान आना बंद हो जाए टाटा खत्म, क्योंकि स्पेयर पार्ट वगैरह जितने भी आते हैं ना, सामान बनता है सब कुछ वहीं से आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको खुद को जो है वो डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल तक, उसके बाद में हम जो है वो लात मार सकते हैं चाइना को, लेकिन जब तक दुश्मनी जो है वो उस लेवल पे नहीं पहुंचती है तब तक हिंदी चीनी बाय बाय करके जो है काम चलाना चाहिए। ठीक है, आप जो भी, मतलब आपको जो भी लगता है, अपनी जो भावनाएं हैं कमेंट सेक्शन में जो से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए और बोलते रहिए।